हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, दैट इज पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, बहुत ज्यादा वेट रखता है। क्लियर? सो गाइस, डोंट मिस इट। सबसे पहले मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा कि मैं पहले इसकी थियरीज करवाऊंगा, इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज दूंगा, और जब एक बार आपका प्लेटफॉर्म बन जाएगा बेसिक नॉलेज का, फिर जाके मैं इसके बेस पे ना प्रैक्टिकल सम्स चालू करूंगा। और सम्स से पहले कुछ इलास्ट्रेशन वगैरह जैसा भी लूंगा। क्लियर? तो इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग ये टॉपिक बहुत ध्यान से करने वाले हैं, मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से समझो। हमारा आज का टॉपिक पार्टनरशिप। पार्टनर, क्लियर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, मार्क एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्लियर? अभी हम लोग इस चैप्टर में ना पहले इसकी कुछ थियरीज डिस्कस करेंगे कि सर पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या है, पार्टनरशिप में हमको पढ़ना क्या है। क्लियर? और इसके बाद जब हमारा पूरा टॉपिक डिस्कस करके हो जाएगा, उसके बाद ही मैं प्रैक्टिकल सम्स लूंगा। उससे पहले मैं प्रैक्टिकल सम्स लेने वाला नहीं हूं। तो समझते हैं सर पार्टनरशिप क्या है। चलो आ जाओ जरा मेरे साथ। सबसे पहले पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप क्या है? अगर कोई मुझसे पूछे आज के दिन में कि सर पार्टनरशिप बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, यार इतना सारा अकाउंटिंग करते करते थक तो वैसे ही गए हैं, पार्टनरशिप क्यों बनाया, नहीं समझता। तो गाइस बता दूं, इंडिया में सबसे पहला, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है, दैट इज सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर ये आप लोग को ऑलरेडी पता है। और सोल ट्रेडर के बाद अगर कुछ स्टार्ट हुआ तो वो कोई और नहीं, दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म। लेकिन क्वेश्चन आता है, सर पार्टनरशिप स्टार्ट किया तो किया, क्यों किया, क्यों किया? तो आंसर इज, सोल ट्रेडर से ना जो पैसा जमा होता था, जो मनी क्रिएट होता था, जो मनी क्रिएट होता था, मनी जमा होता था, वो बहुत ही लेस होता था, बहुत ही लिमिटेड दायरा था उसका, वो ज्यादा एक्सपांड नहीं हो पाता था, बहुत ही थोड़ा पैसा क्रिएट हो पाता था। जो बिजनेसमैन के लिए सफिशियंट नहीं था, बिजनेसमैन के लिए सफिशियंट नहीं था। तो बिजनेस की रेंज को बढ़ाने के लिए, बिजनेस का विस्तार करने के लिए एक न्यू टाइप के मेथोडोलॉजी की जरूरत थी, एक न्यू टाइप के बिजनेस इन्वायरमेंट की जरूरत थी, और फिर जाके जन्म हुआ तुम्हारे पार्टनरशिप फॉर्म का, पार्टनरशिप फॉर्म का। गाइस यहां पर वर्ड आता है फॉर्म, सिर्फ पार्टनरशिप वर्ड नहीं आता, पार्टनरशिप फॉर्म वर्ड आता है, पार्टनरशिप फॉर्म। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्म? इस सर फॉर्म का मतलब क्या है?
तो पहले समझ लो, फर्म वर्ड तभी यूज होता है, बराबर है, जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं। मतलब फर्म का मतलब है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। किसका? ऑफ गुड्स या सर्विसेज का। मतलब मनी वैल्यू इन्वॉल्व है, और यू कैन कॉल इट एज मॉनिटरी वैल्यू इन्वॉल्व है। तो सर, हम लोग क्या पार्टनरशिप का मतलब ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे मनी वैल्यू जैसा कुछ इन्वॉल्व है? यस। और तुम लोग को मैं बता दूं, यहाँ पे एक से ज्यादा बंदे इन्वॉल्व है, क्योंकि पार्टनरशिप तभी क्रिएट होगा जब एक से ज्यादा बंदे रहेंगे। सिर्फ एक बंदा अपने आप से पार्टनरशिप नहीं कर सकता, तो मिनिमम पर्सन रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। मिनिमम पर्सन रिक्वायरमेंट इज टू। तो सर, मैक्सिमम मैक्सिमम के बारे में आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता होगा, जहां तक मैं समझता हूँ। जैसे इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस, इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस कितना रहेगा सर? दैट इज 10। और इन केस ऑफ नॉन बैंकिंग बिजनेस, नॉन बैंकिंग बिजनेस, दैट इज 20। क्लियर? तो सर, यहाँ पे दो चीजों पे मैंने बात कर दी। एक, पहला हम लोगों ने बात की कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, क्यों स्टार्ट हुआ, और इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है, इस पे मैंने बातें कर ली। क्लियर? और जब ये पॉइंट मेरा हो गया करके, ये पॉइंट मेरा करके हो गया, तब मैंने यहाँ पे बोला कि भाई बैंकिंग बिजनेस और नॉन बैंकिंग बिजनेस करके दो इंस्टीट्यूट होते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, लोगों को डिसाइड करते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पे आने चाहिए, 10 या 20। पहला, अब इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे आप लोगों को बताना पड़ेगा। क्लियर? कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे आप लोग को बताना पड़ेगा। जैसे पहला पॉइंट, इन अगर ये जो पार्टनरशिप है ना, ये एग्रीमेंट होता है। एक क्या होता है? एग्रीमेंट। क्या होता है? एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटेन आल्सो, ये ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। क्लियर? चल, तो अब आगे बात करते हैं ओरल और रिटन एग्रीमेंट की। अब सर, नॉर्मली क्या समझे? नॉर्मली प्रिफरेबल है, प्रिफरेबल प्रिफरेबल है कि आप एंट्री जो, आप जो एग्रीमेंट बनाओगे ना, प्रिफर करो। क्या प्रिफर करोगे? कि सर, आप जो एग्रीमेंट बनाओ वो रिटेन हो, ताकि एक वैलिड प्रूफ रहे। ओरल एग्रीमेंट का कोई भरोसा नहीं। आज कुछ बोला, कल अपनी बातों से पलट गया, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। क्लियर? तो इट इज बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट एज कंपेयर टू ओरल एग्रीमेंट। ठीक है, चलो अब आगे की ओर बात करते हैं दोस्तों। सर, एग्रीमेंट के बारे में तो पता चल गया, नंबर ऑफ लोग पता चल गया कि भाई नंबर ऑफ लोग कितने हैं, 2 या 10 या 20, ये पता चल गया। अब आगे बात करते हैं एग्रीमेंट लोगों के बारे में कि सर, इसमें चल क्या रहा है। सुनो, अब जब मैं पार्टनरशिप करने जाता हूं ना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाने जाता हूं ना, तो मुझे ना प्रॉफिट एंड लॉस पे ध्यान देना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस पे ध्यान देना पड़ता है। सर, प्रॉफिट एंड लॉस पे ध्यान देने का मतलब, गाइस, अगर मैंने पैसा बहुतों से मांग के लगाया है, पैसा मैंने बहुतों से मांग के लगाया है, तो मैं अकेला उसका प्रॉफिट एंजॉय नहीं कर सकता, या लॉस हुआ तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि एक काम करते ना,
लॉस सामने वाले के सर पे फोड़ देते हैं, अपन सिर्फ प्रॉफिट लेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते अपन, क्लियर? तो सर यहाँ पे ना प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो होता है, क्या होता है? शेयरिंग रेशियो होता है, और यू कैन कॉल इट एज देयर शुड बी जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं? जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होती है, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी, शेयरिंग रेशियो। मतलब आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि एक काम करते ना यार, सिर्फ मैं प्रॉफिट एंजॉय करता हूँ, तू सिर्फ लॉस एंजॉय कर। अगर किसी साल प्रॉफिट हुआ तो मैं पूरा प्रॉफिट मैं रख लूंगा, और लॉस होगा ना तो पूरा लॉस तू रख लेना, मुझे क्यों लॉस दे रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते। देयर शुड बी अ जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। तो शेयरिंग रेशियो जो होता है ना, शेयरिंग रेशियो ये एग्रीमेंट में लिखा होता है। कहाँ पे लिखा होता है? एग्रीमेंट में लिखा होता है कि आप लोगों के बीच में, आप पार्टनर्स के बीच में कौन सा शेयरिंग रेशियो है। अगर नहीं लिखा है तो, क्या बोला? अगर नहीं लिखा है तो गाइस ध्यान रखना, उस केस में, अगर नहीं लिखा है तो उस केस में हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अगर एग्रीमेंट में ये रेशियो नहीं लिखा हुआ है तो, और सर लिखा हुआ है तो, लिखा हुआ है तो जो बोला उस रेशियो में कर, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्लियर? तो ये हो गया, हम लोगों ने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिया। कौन कौन सा पॉइंट डिस्कस कर लिया, ध्यान से देखते चलना। पहला देखा पार्टनरशिप क्यों जरूरी है, ओके ठीक है। फिर दूसरा देखा पार्टनरशिप में फर्म का मतलब क्या होता है, फर्म का मतलब क्या है, कोई भी फर्म का मतलब क्या होता है, ओके। फिर क्या देखा? मिनिमम पर्सन रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम पर्सन रिक्वायरमेंट, ये पॉइंट खत्म किया। फिर उसके बाद एग्रीमेंट के बारे में समझा कि भाई एग्रीमेंट कैसे बनता है, क्या होता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में समझा कि सर प्रॉफिट एंड लॉस कैसा होता है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने लाइबिलिटी की भी बात की कि लाइबिलिटी कैसी होती है, जॉइंट एंड सेवरल होती है। सर प्रॉफिट एंड लॉस में शेयरिंग रेशियो क्या होता है, शेयरिंग रेशियो जो होता है वो एग्रीमेंट में लिखा होता है, और अगर नहीं लिखा है तो क्या करने का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने का। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैपिटल पे, ध्यान से देखना, कैपिटल पे, और उसके बाद ड्रॉइंग्स पे। इस पे कैपिटल पे और ड्रॉइंग्स पे ध्यान से देखना गाइस, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, कैपिटल क्या होता है, ड्रॉइंग्स क्या होता है, क्लियर गाइस? कैपिटल का मतलब हम लोग को पता है कि बिजनेस में इंट्रोड्यूस होने वाला पैसा, क्लियर? बिजनेस में इंट्रोड्यूस होने वाला पैसा, कि हम लोगों ने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस किया। लेकिन यहाँ पे कैपिटल बहुत खास है, क्यों बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है गाइस, यहाँ पे सिर्फ आपने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आपके दोस्त हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, क्लियर? तो यहाँ पे मैंने एक रखा है, मे बी पॉसिबल ये बहुत सारे हो, यहाँ पे मैंने सिर्फ ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें सिर्फ 2 जन है, क्लियर? लेकिन मे बी पॉसिबल बहुत सारे लोग मिलकर बिजनेस चालू किए हो और उन सबने मिलाकर पैसा इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे कैपिटल आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और तुम लोग को एक चीज समझना पड़ेगा कि पार्टनर जो होते हैं ना, पार्टनर, सर पार्टनर मतलब जो उस बिजनेस के मालिक है, पार्टनर इसको बोलते हैं, पार्टनर क्या बोलते हैं, पार्टनर, पार्टनर्स बोल दो, पार्टनर बोल दो, अलग अलग पार्टनर है, पार्टनर्स बोलने का, ठीक है? तो पार्टनर और पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते। मतलब धंधे का, ये है धंधा हमारा, क्या है ये, धंधा, तो धंधे का अलग अकाउंट बनता है और पार्टनर्स का अलग अकाउंट बनता है। पार्टनर्स अलग हैं,
पार्टनर अपना अकाउंट अलग बनाते हैं, उनका बुक्स ऑफ अकाउंट अलग है और पार्टनरशिप फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट अलग है, क्लियर? बल्कि सोल ट्रेडर में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि सोल ट्रेडर में पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म, सॉरी, सोल ट्रेडर में बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही होता है, बराबर है? दोनों अलग अलग बुक नहीं बनाते, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में दोनों सेपरेट बुक बनाते हैं। पार्टनर्स अपना अलग बुक बनाते हैं, पार्टनरशिप फर्म अलग बुक का होता है, क्लियर? तो ये इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्लियर? तो ऐसा समझा जाता है कि लोगों ने ना अपने फर्म को पैसा दिया है, मींस एज गुड एज उधार दिया है। अपने फर्म को पैसा दिया है मींस एज गुड एज उधार दिया है, और लाइबिलिटी साइड में क्या लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल करके शो करते हैं। क्या शो करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल, क्लियर? इसमें और सोल ट्रेडर में ना हम लोग डायरेक्ट कैपिटल वर्ड लिखते तो भी चलता है, लेकिन यहाँ पे मुझे प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा, राम कैपिटल, मोहन कैपिटल, सोहन कैपिटल, ऐसा प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा, राम कैपिटल, मोहन कैपिटल, सोहन कैपिटल, ऐसा प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तीनों पर्सन अलग अलग है और ये बिजनेस अलग है, तीनों पर्सन अलग है और इनका बिजनेस जो है वो अलग है। तो जब इन तीनों मिलाकर पैसा देंगे ना, तो अलग अलग मुझे क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर मैं एक रिकॉर्ड करूंगा ना, तो काम चलने वाला नहीं है गाइस, क्लियर? तो ऐसा समझा जाता है कि आपने, मतलब राम ने, मोहन ने, सोहन ने क्या किया है? लोन दिया है। किसको? लोन बोलना गलत है, बस ऐसा बोलो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, वर्डिंग्स में पावर लाओ, ऐसा बोलोगे कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। किसको? इस फर्म को, और फर्म का नाम पकड़ लो, दत्तात्रेय एसोसिएशन। तो देखो दत्तात्रेय, दत्तात्रेय का मैं डीटी लिख रहा हूँ, दत्तात्रेय एसोसिएट्स, एसोसिएट्स, इसमें पैसा डाला है। दत्तात्रेय एसोसिएट्स में तीनों ने क्या किया है? पैसा कंट्रीब्यूट किया है। तो सर क्या कैपिटल के बदले कुछ मिलना चाहिए? यस गाइस, कैपिटल के बदले आप लोगों को ना इस पे इंटरेस्ट मिलता है। अगर किसी बंदे ने पैसा डाला है तो आपको बिजनेस से इंटरेस्ट मिलता है। सेम टाइम अगर कोई बंदा बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है, क्या करता है? विड्रॉ। विड्रॉ करना मतलब सर, विड्रॉ करने का मतलब है बिजनेस से पैसा निकाल के जाना। कोई पैसा निकाल के जाता है ना, तो उसको भी ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। किसको? पार्टनरशिप फर्म को। मतलब जब आपने कैपिटल फर्म को दिया, ये आपका फर्म है, ये आपका फर्म है, जब आपने अपने फर्म को कैपिटल दिया, तो फर्म आपको क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। और वही अगर आपने फर्म से पैसा लिया, मतलब आपने ड्रॉइंग किया, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किसको? फर्म को, बराबर है? तो सर इंटरेस्ट कब पे करना पड़ता है? इन केस ऑफ ड्रॉइंग, इन केस ऑफ ड्रॉइंग्स। और सर इंटरेस्ट कब हमको मिलता है? इन केस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। सर कितना 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 कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, कितना ड्राइंग पे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, सब बताऊंगा एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, क्लियर? अभी बस ये याद रखो कि कैपिटल अगर कंट्रीब्यूट किया, कैपिटल अगर कंट्रीब्यूट किया तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और जब आपने ड्रॉइंग्स पे किया, सॉरी, ड्रॉइंग्स विड्रॉ किया, मतलब बिजनेस से पैसा निकाला, तो फिर आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। तो सर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? गाइस अगर आपको सही लगे तो चैट बॉक्स में यस के साथ आंसर करना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज द इनकम फॉर पार्टनरशिप फर्म,
एंड एक्सपेंस फॉर पार्टनर्स, प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वापस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इनकम फॉर पार्टनरशिप फर्म, बराबर है, एंड एक्सपेंस फॉर पार्टनर्स पार्टनर्स, आंसर इज यस, यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू, बराबर है। सेम टाइम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गाइस वापस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड इनकम फॉर पार्टनर्स, यस और नो, यस और नो, इस बार मुझे ओके का साइन चाहिए क्योंकि बहुत सारे यस आ गए, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, यस और नो, तो मुझे ओके का साइन चाहिए, ओके एंड नो ओके, बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड इनकम फॉर पार्टनर्स, परफेक्ट परफेक्ट गाइज, परफेक्ट, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर योर प्रॉपर सपोर्ट, तुम लोगों से बहुत अच्छा आंसर आया। नाउ मूविंग फॉर द फर्दर पार्ट, सर आपने कौन कौन से पॉइंट हमारे साथ डिस्कस कर लिए, जरा एक बार वापस से आ जाओ, मगअप कर लेते हैं बिना टाइम पास किए, मगअप करें। ये देखो सबसे पहले मैंने बताया कि बिजनेस सबसे पुराना सोल ट्रेडर ही था, फिर पार्टनरशिप क्यों आया ये बताया, पार्टनरशिप फर्म में फर्म का इंपॉर्टेंस बताया, फिर पार्टनरशिप में मिनिमम 2% मैक्सिमम 10 और 20 के बारे में बताया, एग्रीमेंट के बारे में बताया ओरल और रिटर्न, पार्टनरशिप फर्म में शेयरिंग रेशियोज के बारे में बताया कि भाई एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट के हिसाब से हम लोग शेयरिंग करते हैं, फिर जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी के बारे में बताया, लाइबिलिटी कैसी होती है, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी मतलब अगर गलती हुई तो सबकी गलती, बराबर एक की गलती इज इक्वल टू सबकी गलती, क्लियर। तो और पार्टनरशिप में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने का, क्लियर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने का, सेम टाइम पे अगर कुछ नहीं बोला है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने का, अदरवाइज एग्रीमेंट के हिसाब से जाने का। कैपिटल के बारे में बता दिया कि भाई कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा समझा जाता है कि पार्टनरशिप फर्म को पैसा दिया मतलब दूसरे आदमी को पैसा दिया, दूसरे इंस्टीट्यूट को पैसा दिया, तो जो भाई जब तुम दूसरे को पैसा दोगे तो इंटरेस्ट तो मांगोगे ना, बराबर है। और सेम टाइम अगर तुमने पार्टनरशिप फर्म से पैसा लिया तो ऐसा समझा जाता है कि तुमने दूसरे आदमी से पैसा उधार लिया, तो बस ड्रॉइंग्स किया पैसा भरो फिर, बराबर है। तो गाइस ये कुछ पॉइंट हो गए। अब बहुत सारे बच्चों को ना ये दो पॉइंट में बहुत डाउट आता है कि सर क्या अभी दूसरे को, अभी बिजनेस तो मेरा ही है ना, बिजनेस तो मेरा ही है तो फिर क्या दूसरे को, बराबर है। तो अब तुम लोग को समझाने का मैं तरीका चेंज कर रहा हूँ, समझा सेम चीज रहा हूँ, इधर ध्यान दो। देखो होता क्या है, अब इसका रीजन समझो, मान लो ये राम है, ठीक है, ये राम है, हम लोग ये राम है, ये मोहन है और ये श्याम है, तीन बंदे हैं। अब तीनों जन ने पैसा लगा दिया, तीनों जन ने पैसा लगाया और ये फर्म में पैसा डाल दिया कि ले भाई फर्म पैसा ले ले इंजॉय कर, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया पता है, राम ना बहुत शाना निकला, राम क्या करता है, पैसा जो सब लोगों ने मिलके डाला ना तो चुपचाप पैसा यहाँ से मोटी मोटी अमाउंट में निकाल के जा रहा है और खुद अपना पर्सनल काम कर रहा है, खूब पैसा निकाल निकाल के जा रहा है, अपना पर्सनल काम कर रहा है। तो इन दोनों को टेंशन आ रहा है, अरे यार ये चल क्या रहा है, बिजनेस खाली हो रहा है, बराबर है। तो इन दोनों ने क्या बोला, यार पैसा तो हमने भी लगाया है, पैसा तो हमने भी लगाया है और इंजॉय ये अपने पर्सनल पर्पस के लिए कर रहा है, नहीं चलेगा, तो एक काम करते इसके इसको ना रोकते हैं, पैसा ले जाने से रोकते हैं। रोकने के लिए क्या किया, बोला कि भाई अगर तू ऐसा अपने पर्सनल पर्पस के लिए पैसा लेके जाएगा ना बिजनेस से, तो एक काम कर उस पे इंटरेस्ट दे, उस पे इंटरेस्ट दे और वो इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा ऐसा, बराबर है। तो ड्रॉइंग क्या हो गया, रुक गया, ड्रॉइंग क्या हो गया, रुक गया, जो पैसा ले लेके जा रहा था ना रुक गया, क्यों, क्योंकि अब इसको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा इसके लिए। सेम टाइम पे अगर मान लो इस बंदे ने 5 लाख दिया है, इस बंदे ने भी 5 लाख दिया है, इस बंदे ने भी 5 लाख दिया है, अब मान लो इस बंदे ने एक्स्ट्रा पैसा देने का सोचा ताकि बिजनेस का ग्रोथ हो, इसने 3 लाख रुपए और दे दिया, बराबर है, जिसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। तो ये क्या बोलेगा, यार एक्स्ट्रा पैसा देने का फायदा क्या हुआ, एक्स्ट्रा पैसा मैं क्यों दूं, तो एक्स्ट्रा पैसा देने का फायदा ये हुआ कि तुझे ना
इस एक्स्ट्रा पैसे पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, तो अब इसको मजा आएगा। बोला कि चल भाई एक्स्ट्रा पैसा दिया तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है ना, मुझे मजा आ रहा है, अदरवाइज मैं एक्स्ट्रा पैसा क्यों दूं। सब लोगों ने 5 लाख दिया है, 5 लाख दिया है, तो मैं 8 लाख क्यों दूं, मैं भी 5 लाख ही दूंगा। तो गाइज मोटिवेशन मिले इसके लिए क्या करते हैं लोग, इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट रखते हैं। और पनिशमेंट मिले, कोई ऐसा पैसा ले लेके भागे ना, इसके लिए क्या करते हैं, इंटरेस्ट का प्रोविजन रखते हैं। क्लियर? तो ये कुछ रीजंस थे कि क्यों लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है, बिजनेस पे क्यों इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, क्यों इंटरेस्ट देते हैं, ये पॉइंट पे। क्लियर? तो ये एक पॉइंट हो गया। नाउ मूविंग फॉर द फर्दर पार्ट गाइस, अब हम लोग इसके वापस इसी पॉइंट पे बात करेंगे, कैपिटल और ड्राइंग्स का पॉइंट हो गया। सर एक पॉइंट बताओ, यहाँ पे क्या हम दूसरे इंसान का एडमिशन कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं, या कोई बंदा छोड़ के जाना चाहे कि नहीं यार अब पार्टनरशिप में मजा नहीं आता यार, तो जैसा पहले माहौल था ना वैसा माहौल अब नहीं रहा, अब अच्छा नहीं लगता, तो क्या कोई बंदा डिसोल्यूशन के लिए जा सकता है, डिसोल्यूशन के लिए जा सकता है, या मान लो कोई बंदा रिटायर करना चाहे कि नहीं यार अब मतलब बहुत हो गया मैं रिटायर करना चाहता हूँ, तो क्या वो रिटायरमेंट के लिए जा सकता है। बराबर है? तो ये सब पॉइंट्स का मतलब है कि किसी पर्सन की एंट्री करवाना या किसी पर्सन की डिस एंट्री करवाना या पार्टनरशिप का बिजनेस पूरी तरह से तोड़ देना, इस कॉल्ड एज दीज थ्री कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखो, हाँ मैं एकदम बेस बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, बेस बता रहा हूँ। देखो पहला है एडमिशन। एडमिशन का मतलब है कि दो बंदे या तीन बंदे पार्टनरशिप में ऑलरेडी हैं, जैसे मेरे केस में ए और बी पार्टनरशिप में ऑलरेडी है, इनका धंधा ऑलरेडी चल रहा है। ये क्या बोलते पता है यार, बिजनेस को ना बढ़ाना चाहिए, बिजनेस को डेवलप करना चाहिए, लेकिन इनके पास उतना पैसा फिलहाल नहीं है। तो क्या करेंगे, एक तीसरे पर्सन को अप्रोच करेंगे, तीसरे पर्सन में क्या बोलेंगे कि आज से तू हमारे बिजनेस में ऐड हो जा। क्या हो जा? ऐड हो जा। तो ऐड हो जा मतलब आज से तू हमारे बिजनेस का पार्टनर बन जा। और ये बंदा था मिस्टर सी। तो सी का क्या हो गया? एडमिशन हो गया। एडमिशन सी क्या हो गया? बिजनेस में आ गया। सी का हो गया एडमिशन। क्लियर? तो इसको बोलते हैं एडमिशन। सर तो फिर रिटायरमेंट का मतलब क्या? सुनो समझो, रिटायरमेंट का मतलब ए बिजनेस कर रहा था, बी बिजनेस कर रहा था, सी बिजनेस कर रहा था, बराबर है, तीन जन बिजनेस कर रहे थे, ये ए ये बी ये सी। अब सी क्या बोलता है, यार मैं बहुत बुढ़ा हो चुका हूं, मेरी उम्र हो गई है, उम्र हो गई है, ठीक है, मैं अब ना जितना एनर्जी के साथ पहले काम करता था ना, अब उतना एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाता, या मे बी एग्जाम्पल मैं बाहर देश जाना चाहता हूँ, अभी इंडिया में धंधा नहीं करना चाहता तुम लोग के साथ, तो एक काम करो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तुम लोग अपना कंटिन्यू करो। तो बिजनेस से सिर्फ एक पार्टनर निकल रहा है, एक पार्टनर निकल रहा है, या दो पार्टनर निकलेगा तो बिजनेस ही खत्म हो जाए, पार्टनरशिप ही खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ एक पर्सन निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट हो गया। मतलब ए और बी आज भी साथ में धंधा कर रहे हैं, और बी क्या हो गया, निकल गया, बी निकल गया, दैट इज कॉल्ड एज रिटायर हो गया। मिनिमम दो पर्सन का रहना जरूरी है इन केस ऑफ पार्टनरशिप, अगर दो में से एक हो जाएगा तो फिर काय का पार्टनरशिप, तो फिर पार्टनरशिप नहीं, दो का तो रहना ही पड़ेगा। सर अगर चार में से दो निकल जाते, तो चार में से दो जन निकल जाए तो भी तो पार्टनरशिप रहेगा ही ना, क्योंकि दो जन अभी भी है तो पार्टनरशिप चल सकता है, लेकिन चार में से अगर तीन जन निकल जाए तो पार्टनरशिप थोड़ी चलेगा, सिंगल आदमी थोड़ी पार्टनरशिप क्रिएट करता है। क्लियर? पार्टनर का मतलब क्या है? पार्ट ओनर गाइस, पार्टनर का मतलब समझो, तुम लोग पार्टनर पार्टनर चिल्लाते हैं, पार्टनर का मतलब कभी समझने की कोशिश नहीं किया। ये देखो PARTNER, पार्टनर जो लिखा ना पार्टनर, पार्टनर वर्ड का मतलब क्या है, पार्ट, पार्ट एक वर्ड है और ओनर दूसरा वर्ड है, ओनर, पार्ट ओनर।
मतलब तुम बिजनेस में एक पार्ट तक मालिक हो, तुम बिजनेस के एक हिस्से के मालिक हो, बराबर है, एक हिस्से के मालिक हो। अब वो हिस्सा कुछ भी हो सकता है, बराबर है, वो हिस्सा कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया पार्टनर का मतलब, बराबर है। तो मतलब दो जन तो चाहिए, पूरा मालिक थोड़ी बनना है। पूरा पूरा मालिक बन गया तो सोल ट्रेडर हो गया ना। और पार्ट ओनर का मतलब क्या, कि तुम थोड़े हिस्से का ही मालिक, पूरे नहीं, थोड़े हिस्से का ही मालिक हो। मे बी पॉसिबल 50%, मे बी पॉसिबल 70%, मे बी पॉसिबल 80%, मे बी पॉसिबल 90%, मे बी पॉसिबल 10%, कुछ भी, 99%, लेकिन 1% दूसरे के पास है, चलेगा, बराबर है। पार्टनर का मतलब पार्ट ओनर, नॉट फुल ओनर। तो ये वर्ड याद रखना। तो यहाँ पे तुम लोग के सामने दो केस डिस्कस किया। पहला कौन सा डिस्कस किया, पहला डिस्कस किया एडमिशन का, कि एडमिशन का मतलब क्या होता है, आया। रिटायरमेंट का मतलब क्या, गया। तो सर डिसोल्यूशन में क्या होता है, गाइस ये देखो, डिसोल्यूशन में क्या होता है, जब मैं डिसोल्यूशन की बात करता हूँ ना, डिसोल्यूशन, तो उसका मतलब क्या समझने का, सब लोग चले गए। सब लोग क्या हो गए, आपस में बोल दिए कि नहीं भाई, अब ये धंधा नहीं करना है, अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं रह गया, मुझे किसी को किसी पे भरोसा नहीं है, अब धंधा नहीं करना है। सब क्या हो गए, अलग हो गए। इसे क्या बोलने का, डिसॉल्व हो गया। क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, बिजनेस डिसॉल्व हो गया, मिट गया, लुट गया, खत्म हो गया। और चौथा कॉन्सेप्ट है, दैट इज नथिंग बट डेथ। डेथ, बराबर है सर। डेथ का मतलब क्या होता है, कोई पार्टनर क्या हो गया, मर गया, कोई पार्टनर मर गया, तो उसे क्या बोलेंगे, डेथ। तो डेथ बोल के थोड़ी आता है कि भाई डेथ होने जा रहा है, नहीं, अचानक से, बराबर है। कोई ए और बी घर में बैठे थे, सी जा रहा था कोई मीटिंग अटेंड करने, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया वहां पे, बराबर है। तो अब ये डेथ जो हुआ ना, तो हमको सर सीखना क्या है इतने सारे में से, हम लोग को ना एडमिशन के टाइम पे कौन सी अकाउंटिंग होगी वो सीखना है, डिसोल्यूशन के टाइम पे कौन सी अकाउंटिंग होगी वो सीखना है, रिटायरमेंट के टाइम पे कौन सी अकाउंटिंग होगी वो सीखना है, डेथ के टाइम पे कौन सी अकाउंटिंग होगी ये सीखना है। क्लियर, ये चार किस्से हमको सीखना है, चारों की एंट्री पास करनी है, चारों का अकाउंट बनाना है, न्यू बैलेंस शीट बनाना है। तो सर क्वेश्चन में हमको क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में हमको ओल्ड बैलेंस शीट दिया रहेगा, प्लस एडिशनल इन्फो दिया रहेगा, एडिशनल इन्फो क्वेश्चन में। सर क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में हमको ओल्ड बैलेंस शीट दिया रहेगा, एडिशनल इन्फो दिया रहेगा, जिसको आप एडजस्टमेंट के नाम से जानते हो। और बनाना क्या रहेगा, बनाना हमको रहेगा रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना रहेगा, या रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना रहेगा, फिर उसके बाद कैश बैंक अकाउंट बनाना रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना रहेगा, और न्यू जो पार्टनरशिप फर्म बना, न्यू पार्टनरशिप फर्म उसका बैलेंस शीट बनाना रहेगा, जो न्यू पार्टनरशिप फर्म बनाया वो बैलेंस शीट बनाना रहेगा। सर थोड़ा डिटेल में बताओ, देखो जैसे मान लो जब दो पार्टनर थे, ए और बी, तो ए और बी ने अपना बैलेंस शीट बना के रखा होगा, जिसको बोलते हैं ओल्ड बैलेंस शीट। ये सी नया बंदा आया, सी, तो सी ने पैसा वैसा लेके आया होगा, सी पैसा वैसा कैश वैश लेके आया होगा, तब तो बिजनेस में उसको एंट्री मारने देंगे। सी पैसा वैसा लेके आया, तो अब सी के आने की वजह से बिजनेस में क्या-क्या चेंजेस हुआ, तो जो जो चेंजेस हुआ है उसके लिए हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैश बैंक अकाउंट बनाना है नए पार्टनर में। अभी पार्टनर में सिर्फ ए और बी थे, अब कौन हो गए, सी। तो इन तीनों का कैपिटल अकाउंट बनाना है, कि भाई नया पार्टनर आया तो एक कैपिटल अकाउंट बनाओ, और फिर जो साल खत्म हुआ तो नया बैलेंस शीट बनाओ, न्यू पार्टनरशिप फॉर्म हो गया। पहले सिर्फ ए और बी का पार्टनरशिप फॉर्म था, अब हो गया ए बी एंड सी, तीनों हो गए, तो तीनों पार्टनरशिप का नया वाला बैलेंस शीट बना। तो ये हमको नया करना है, पुराना तो हो गया, पुराना
पुराना तो तुमको क्वेश्चन में दे ही दिया है, तुमको नया क्या करना था? न्यू पार्टनर के एंट्री के टाइम पे तुमको क्या क्या बनाना पड़ेगा वो सब करना था, क्लियर? तो हम लोग ये सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, सबके बारे में डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको दिखाना चाहता हूँ, क्लियर? तो मैं कुछ पॉइंट्स दिखाने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से तैयार हो जाओ, क्लियर? ना गाइस, यही सब चीजें तुम्हारे बुक में भी लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देख लेते हैं। ये देखो, सबसे पहले बात करूंगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है, समझना चालू करो, बताना चालू कर दूंगा। ये देखो, मान लो ए और बी हमारे दो पार्टनर हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी। एक बात बताओ, जब मिस्टर सी आएंगे ना, मिस्टर सी, तो सबसे ज्यादा दुख इन दोनों को ही होने वाला है। तुम लोग बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलूं कि मिस्टर ए 50% प्रॉफिट ले रहे थे, 50% प्रॉफिट मिस्टर ए ले रहे थे और 50% प्रॉफिट मिस्टर बी ले रहे थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही मिस्टर सी एंट्री मारेंगे तो ये भी प्रॉफिट में हिस्सा मांगेंगे। ये क्या बोलेंगे, अरे मैं तेरे साथ आया हूं तो ऐसे ही फ्री फोकट का थोड़ी आया, मुझे भी प्रॉफिट में क्या चाहिए, हिस्सा चाहिए, तो मुझे भी हिस्सा चाहिए, मतलब मुझे भी पैसा दो। लेकिन कभी सुना है क्या 150%? ऐसा थोड़ी होता है 150% कि 50 तू ले ले, 50 मैं ले लेता हूँ, 50 ये भी ले ले, ऐसा थोड़ी होगा। अरे सिर्फ 100 ही% होता है, 150% नहीं होता। तो इन लोग क्या बोलेंगे पता है, कि चल एक काम कर, अपने में से कुछ प्रॉफिट माइनस कर। ये देख भाई सुन ध्यान से, अपने में से कुछ प्रॉफिट माइनस कर, ये भी बोलेगा चल मैं भी माइनस करता हूँ, ओके। और दोनों जन अपना माइनस माइनस वाला हिस्सा इसको ट्रांसफर कर देंगे कि ले भाई तू रख ले, बराबर है, तू रख ले। और इसके लिए वो क्या हो जाएगा, ऐड, मतलब अपना हिस्सा इन लोग क्या करेंगे, कमती करेंगे। कमती करना, इन लोग अपना हिस्सा क्या करेंगे, कमती करेंगे, और कमती करके अपना पैसा इसको देंगे कि ले भाई आज से तू एंजॉय कर, बराबर है। तो अब से इनका नया रेशियो, मान लो एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, कुछ ऐसा सीरियस मत ले लेना कि सर यही रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, ये इनका रेशियो अब 50 नहीं रहेगा, इनका रेशियो अब कितना हो जाएगा, 33.33, 33.33। इसका भी रेशियो क्या हो जाएगा, 33.33, बराबर है। और जो इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया ना, कितना सेक्रीफाइस किया, 50 में से 33.33 घटाओ ना, कितना बचेगा, 16.67, और यहाँ पे भी 16.67, दोनों ऐड करके यहाँ पे आ जाएगा 33.33, बराबर है, इसको मिल जाएगा। मतलब इन लोगों को जितना कम मिला ना, कम, वो इसके लिए क्या हो जाएगा, इनकम। सुनो कैसा डायलॉग दिया मैंने, मिस्टर ए और मिस्टर बी को जितना कम मिला वो मिस्टर सी के लिए क्या बन गया, इनकम, बराबर है, मतलब उसके लिए इनकम हो गया कि भाई आज से मेरा रेशियो भी 33.33 हो गया। क्यों? क्योंकि मिस्टर सी लेट एडमिशन मारा, तो लेट एडमिशन मारा तो मिस्टर ए और मिस्टर बी में जो बट चुका था उसमें से निकल के, ये देखो माइनस हुआ, तुम्हारे सामने ही मैंने माइनस किया था, माइनस करके जो आया वो चला गया मिस्टर सी के पास, क्लियर? तो गाइस ये पॉइंट हो गया कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। और मैंने जो बोला ना कमती होता है, कमती, ये देखो 50 में से 16 कमती हो गया, दैट इज कॉल्ड एज सेक्रीफाइस, क्या बोलते हैं उसको, सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो कितना था, 16.67 रेस टू, इसको बोलते हैं रेस टू 16.67, बराबर है, मतलब 1:1, 1:1, इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशियो।
जितने रेशियो में दोनों ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। तो जितना इन लोग सेक्रीफाइस करेंगे ना, इन लोग मतलब मिस्टर ए और मिस्टर बी, जितना सेक्रीफाइस करेंगे ना वो मिस्टर सी के लिए क्या बनेगा, इनकम। बराबर है, वो मिस्टर सी के लिए बन जाएगा इनकम। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, देखो मैं तुमको पढ़ के भी दिखाता हूँ। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म मे डिसाइड टू चेंज देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ वन पार्टनर परचेज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अनदर पार्टनर, द ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टैंड टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड का मतलब कैंसल हो जाना, टर्मिनेटेड का मतलब कैंसल। जो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड एग्रीमेंट होगा क्या होगा, कैंसल, एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स स्टेटिंग अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक नया एग्रीमेंट बनेगा जिसमें तीनों पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। क्लियर, दो चीजें बोला कि ओल्ड रेशियो कैंसल हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड एग्रीमेंट कैंसल हो जाएगा, न्यू पार्टनर्स का एग्रीमेंट बनेगा, उसमें नया एग्रीमेंट में नया पीएसआर रहेगा। ओल्ड पीएसआर था 1:1 और न्यू पीएसआर रहेगा 1:1:1। बराबर है, तो सर दोनों तो सेम ही है ना, बिल्कुल सोचना ही मत। ये 1:1 का मतलब क्या हो गया, 1:2:1:2, और इसका मतलब क्या हो गया, 1:3:1:3:1:3। सर अगर 1:2 को अगर परसेंटेज के फॉर्म में लिखे तो कितना होता है, 50%, और 1:3 को परसेंटेज के फॉर्म में लिखे तो कितना होता है, 33.33%। तो कैसे सेम हुआ बताओ, सेम हो ही नहीं सकता। तो मतलब नए पार्टनर के आने की वजह से पुराने पार्टनर का क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। पुराने पार्टनर को अपना प्रॉफिट क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा। गाइज आर यू गेटिंग इट, चैट बॉक्स में मुझे बताओ, चैट बॉक्स जिंदाबाद, चैट बॉक्स में बताओ। चैट बॉक्स गाइज, परफेक्ट। नाउ ये देखो, एडमिशन के बारे में बोल दिया था मैंने, एडमिशन के बारे में मैंने लंबी लंबी बातें पहले ही कर दी है, ध्यान से देखो। एडमिशन वगैरह सब बोल दिया मैंने, कि एडमिशन में क्या होता है, रिटायरमेंट में क्या होता है, सब बता दिया। ये देखो, ये देखो, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड द बिजनेस ही ब्रिंग्स कैपिटल एंड ही शेयर ऑफ गुडविल। ओल्ड पार्टनर हैव टू सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर न्यू पार्टनर, सो न्यू पार्टनर एग्रीमेंट विल बी चेंज्ड। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये देखो, इफ द पार्टनर इज रिटायरिंग फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू दैट डेट ऑफ रिटायरमेंट कैपिटल हिज शेयर रिजर्व ऑफ द फर्म विल बी पेड टू हिम। ओल्ड पार्टनर विल गेन द प्रॉफिट एंड देयर विल चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग। क्या होता है बताऊंगा, अभी सुन के रख लो बस। डेथ के केस में पार्टनर इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस ड्यू टू डेथ इज लीगल हेयर, लीगल हेयर मतलब उसका वारिस जो रहेगा, वारिस विल गेट द पार्टनर शेयर इन द बिजनेस। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर विल चेंज एंड ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट केम टू एन एंड। बराबर है, सब सब पे बातें करेंगे एक एक पॉइंट पे, ठीक है। चलो तो गाइस यहां तक हो गया कुछ हिस्से, अब हम लोग एडमिशन चैप्टर में घुसने जा रहे हैं, एडमिशन चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। अब तक सिर्फ बैकग्राउंड समझा है, अब तक सिर्फ बैकग्राउंड समझा है, मान के चलो। रिटायरमेंट डेथ, इसके लिए सेपरेट चैप्टर बना हुआ है, रिटायरमेंट डेथ। एक एक जर्नल एंट्री हमको ध्यान से देखना है, जर्नल एंट्री के साथ साथ एक एक चीजें समझनी है, लेकिन उससे पहले कुछ कुछ चीजें लिखवाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से पहले लिख लो। आ जाओ फटाफट लिख लो, हेडिंग दो, सबसे पहले हेडिंग दो पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म ऐसा हेडिंग दो। बराबर है गाइस, एकदम ध्यान से नोट्स एकदम प्रॉपर बनाना, नोट्स एकदम ध्यान से बनाना। सबसे पहले हेडिंग दोगे पार्टनरशिप फॉर्म, बराबर है। अब उसमें लिखोगे व्हाई वी नीड पार्टनरशिप फॉर्म। यार पार्टनरशिप फर्म की जरूरत क्यों है, व्हाई वी नीड पार्टनरशिप फर्म,
आंसर में लिखोगे, आंसर बराबर है, ऐसा आंसर करके मत लिखना, डायरेक्ट एक हेडिंग बना के लिखना, कलर चेंज करके भी लिख सकते तुम लोग, कलर वालर चेंज करके अच्छे से डेकोरेट वगैरह करके लिखना, आंसर में लिखने का पॉइंट नंबर 1। टू, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। नंबर टू, टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, पहला पॉइंट कि मैं बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ानी है, बराबर है, ब्रैकेट में लिखना कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, मार्केट शेयर बढ़ाना है, मार्केट शेयर बढ़ाना है, ये सब पॉइंट लिखो। टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, कैपिटल बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ, मार्केट शेयर बढ़ाओ, ठीक है, मुझे ये सब चीजें इंक्रीज करनी है। दूसरा, टू गेन द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमी, टू गेन द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमी। तीसरा, टू मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमी का मतलब कि सर पार्टनरशिप फर्म होने की वजह से मार्केट में अपना रुतबा बढ़ेगा, बराबर है, बेनिफिट यहाँ पे तुम लोग लिख सकता है एक छोटा सा वर्ड गुडविल, बराबर है, गुडविल मजबूत होगा अपना, अपना गुडविल बढ़ेगा। अब गुडविल क्या होता है ये तुमको पता है, गुडविल दैट इज नथिंग बट अ रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस, कि भाई बिजनेस का रेप्यूटेशन क्या है, बिजनेस का नाम कितना ज्यादा है, गुडविल बढ़ाने के लिए, क्लियर, टू गेन द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमी, गुडविल वगैरह बढ़ेगा, ठीक है। टू गेट क्या, टू गेट हैवी अपॉर्चुनिटी, फ्रॉम द मार्केट, बराबर है, इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट अच्छा मिलेगा, बराबर है, फिर उसके बाद पोटेंशियल बायर, पोटेंशियल बायर मिलेंगे, टू गेट गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट को इंडिविजुअल्स पे ज्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल्स ना के पास स्किल नहीं होता, इंडिविजुअल जो होते हैं ना लेमैन होते हैं, उनके पास स्किल नहीं होता, तो उनको भरोसा कब आता है, जब बहुत सारे लोग आके एक अम्ब्रेला के नीचे काम करते हैं, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, उनके बिजनेस को प्रमोट करती है, टू गेट अ गवर्नमेंट सपोर्ट, लोग पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट वगैरह पाने के लिए, टू गेट अ पार्टनर, टू गेट अ गवर्नमेंट सपोर्ट, इसके लिए भी लोग बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो गया, तीसरा पॉइंट यहाँ पे हो गया, और चौथा पॉइंट यहाँ पे, और टू गेट अ गवर्नमेंट सपोर्ट, क्लियर, बस आगे लिख देना ETC। अब उसके बाद लोग, हम लोग को ये पता चला कि पार्टनरशिप फर्म क्यों क्रिएट करना, तो अब उसके बाद लिखोगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या लिखने का, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, बराबर है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स।
अब वो पॉइंट्स क्या है मैं बताऊंगा एक एक करके, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। बताइए चालू करें? इतना हो गया तो प्लीज मुझे एक बार डन का मैसेज दे दो। चैट बॉक्स जिंदाबाद। चलो परफेक्ट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ गए हम लोग। आ जाओ इधर पे फटाफट, आ जाओ फटाफट आ जाओ। ये देखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दो। सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म इज मेनली फॉर्म्ड फॉर, क्या लिखोगे? पार्टनरशिप फर्म इज मेनली फॉर्म्ड फॉर, फॉर्म्ड की स्पेलिंग FORMED, मेनली फॉर्म्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ। ये देखो पहला पॉइंट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस, बराबर है। लोग पार्टनरशिप फर्म मेनली क्यों बनाते हैं? मेनली मेनली किसके लिए? ताकि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस हो सके। क्लियर? ये तुम्हारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देयर शुड बी क्या लिखोगे? देयर शुड बी मिनिमम टू पर्सन रिक्वायर्ड टू फॉर्म पार्टनरशिप। देयर शुड बी मिनिमम टू पर्सन रिक्वायर्ड टू फॉर्म पार्टनरशिप। फॉर्म की स्पेलिंग याद रखना है, FORM। फॉर्म मतलब क्रिएट करना। देयर शुड बी मिनिमम टू पर्सन्स रिक्वायर्ड, पर्सन्स करना, पर्सन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म पार्टनरशिप। उसके आगे लिखो थर्ड पॉइंट, द मैक्सिमम लिमिट इज। उसके बाद द मैक्सिमम लिमिट इज, इसके बाद ए और बी, बराबर है गाइज? एकदम ऐसा ही चार्ट बना देना, चार्ट द मैक्सिमम लिमिट जैसा लाइन लिखा होगा ना, द मैक्सिमम लिमिट इज ऐसा लिखा होगा। उसके बाद तुम लोगों ने ऐसा एरो वगैरह बनाया होगा तो उसके नीचे से चार्ट बना दो, और चार्ट के नीचे इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस और इन केस ऑफ नॉन बैंकिंग बिजनेस ऐसा सेम लिख देने का। हाँ, अब बादल बादल बनाना ना भूले, ये देखो बादल बादल बनाना ना भूले, बादल बादल, और बादल बादल के नीचे एरो करके, हाँ एरो, एरो करोगे नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा, तो एरो करके 10 और 20। ठीक है, एकदम प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करने का, इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस, इन केस ऑफ नॉन बैंकिंग बिजनेस, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20। ठीक है, द मैक्सिमम लिमिट इज, ये तुम्हारा थर्ड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, उसके बाद फोर्थ पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ये देखो मेरा तो कलरफुल चेंज ऑटोमेटिक रहता है ना, मैं तो थोड़ा भी करता हूँ तो कलरफुल ऑटोमेटिक हो जाता है। तुम लोग को सोचना है कि तुम लोग कैसे कलर कलर यूज करोगे, तुम्हारा बुक और अट्रैक्टिव बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, ताकि तुम लोग को तो बार बार पढ़ना है ना। ये देखो फोर्थ पॉइंट, टू क्रिएट क्या लिखोगे? टू क्रिएट पार्टनरशिप फर्म, तो मैं पार्टनरशिप फर्म को शॉर्ट में लिखूंगा, जगह नहीं है थोड़ा मेरे पास, तो मैं क्या लिखूंगा, टू क्रिएट पार्टनरशिप फर्म देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, देयर शुड बी मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू क्रिएट पार्टनरशिप देयर शुड बी मस्ट बी एन एग्रीमेंट।
बराबर है, और उसके बाद लिखोगे आइदर इन ओरल फॉर्म और रिटन फॉर्म। ओरल और बीच में देखो, मैं तो स्टाइल में ही लिख दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, देखो मैं तो स्टाइल यूज करता हूँ, और ओरल फॉर्म और रिटन फॉर्म, आइदर इन ओरल फॉर्म और रिटन फॉर्म। क्या लिखने का, टू क्रिएट पार्टनरशिप देयर शुड बी मस्ट बी एन एग्रीमेंट, आइदर ये देखो आइदर इन ओरल और रिटन फॉर्म, आइदर इन ओरल और रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्म बराबर है, रिटन फॉर्म, ये पॉइंट लिख देने का, आइदर इन ओरल और रिटन फॉर्म। फिर इसके बाद क्या लिखोगे सर, ओरल और रिटन फॉर्म के बाद, बट इट इज प्रिफरेबल, उसके आगे बट इट इज प्रिफरेबल टू बी इन रिटन फॉर्म, टू बी इन रिटन फॉर्म, ये देखो रिटन फॉर्म, बट इट इज प्रिफरेबल टू बी इन रिटन फॉर्म, बट इट इज प्रिफरेबल टू बी इन रिटन फॉर्म, क्लियर। चार पॉइंट मैंने बोल दिया, तुम लोगों ने लिख लिया, चार पॉइंट मैंने बोल दिया। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट, देयर शुड बी, क्या लिखोगे, देयर शुड बी जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी, देयर शुड बी जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी, पांचवा पॉइंट, देयर शुड बी जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। चौथा पॉइंट, टू क्रिएट पार्टनरशिप फर्म देयर शुड बी मस्ट बी एन एग्रीमेंट, टू क्रिएट पार्टनरशिप फॉर्म देयर शुड बी मस्ट बी एन एग्रीमेंट, आइदर इन ओरल फॉर्म, आइदर इन ओरल और रिटन फॉर्म, बट इट इज प्रिफरेबल टू बी इन रिटन फॉर्म, बट इट इज प्रिफरेबल टू बी इन रिटन फॉर्म। पांचवा पॉइंट, देयर शुड बी जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। छठा पॉइंट, छठा पॉइंट, छठा पॉइंट क्या लिखोगे, इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्लिक एग्रीमेंट, इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्लिक एग्रीमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑब्लिक इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली distributed, in the absence of information profit and loss should be equally distributed, ठीक है। पांचवा पॉइंट हो गया, पांचवा छठा पॉइंट भी हो गया, in the absence of information profit and loss should be equally distributed। सातवा पॉइंट, सातवा पॉइंट क्या लिखोगे, ऑन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या लिखने का, ऑन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन,
पार्टनरशिप फर्म विल प्रोवाइड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पूरा लिखना, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स बराबर है, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स बराबर है, आगे लिखना एट और आगे डैश बराबर है, एट लिख के आगे डैश कर देना, डैश उसको भरना मत, मैं बताऊंगा आगे जब हम लोग ये चैप्टर का प्रैक्टिकल सम्स उठाएंगे ना, तब तुम लोग ये भी पूरा डिटेल में बताऊंगा क्या लिखने का। ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूशन पार्टनरशिप फर्म विल प्रोवाइड इंटरेस्ट टू पार्टनर्स एट डैश परसेंट, आगे परसेंट आएगा उसके लिए डैश करवाया है। फिर आठवां पॉइंट, ये रहा तुम्हारा आठवां पॉइंट, क्या लिखोगे इसमें? ऑन ड्रॉइंग्स कॉमा ड्रॉइंग्स मेड बाय पार्टनर्स, ऑन ड्रॉइंग्स मेड बाय पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म चार्जेस करना, पार्टनरशिप फर्म चार्जेस इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टनर्स एट डैश। हमने तो क्या प्रैक्टिकल को क्या चल रहा है, कितने लोग का डन है यहाँ पे? तो गाइस यहीं पे हमारा लेक्चर आज का थियरी पार्ट ऑफ पार्टनरशिप ओवर होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग जर्नल एंट्रीज वगैरह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड खुदा हाफिज। बाय बाय गाइस, टेक केयर। अपना तो सर डायरेक्ट जून में चलेगा। हाँ, एडमिशन में बच्चे वाले के साथ जाते हैं। एडमिशन आप उसी दिन में बोला था सर, 250 का फॉर्म का लगेगा, 1-2 महीने का फीस भर दो बस, 1-2 महीने का फीस भर दो बस। अभी सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है सर, फर्स्ट सेमेस्टर का। हाँ आप कर ही जाओ, कैसे भी एडजस्टमेंट करके कल या परसों में भर दो, क्योंकि अपना बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड तो निकल जाएगा, सेकंड में जाएगा ना नेक्स्ट ईयर में। ऐसा करो सर, बाकी ठीक है ना? हाँ सर, चलो तो मैं चलता हूँ। हाँ लड़का रुक गया। हाँ अभी तो सब देखिएगा, होगा ना सर, दिवा दीजिए। हाँ देखता हूँ, आगे जाके ना सर इसको करवा दीजिए, अच्छा नहीं लगता। ठीक है सर, जिस घर पे ही किधर? नहीं ना, नहीं रहते सतीश में ही रहता। इधर नहीं, किसी लड़का आया था, बोला कि सर बोले थे भाई का नंबर नहीं लगा है, बात भी नहीं हुआ, आओ यार उससे। चलो मैं चलता हूँ। ठीक है, आते हैं।
you.